Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. ये मेरा जो वीडियो है काफी लंबे समय के बाद आ रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं बहुत लेजी हूँ और इसलिए मेरे वीडियोज नहीं आ पाते, बट कोशिश हर बार करती हूँ कि वीडियो टाइम से आए, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता यार। मतलब 3 महीने हो गए हैं मैं लगातार सुन रही हूँ इंडियंस ऐसे, इंडियंस वैसे, इंडिया में ऐसा, इंडिया में वैसा। भले ही कोई भी क्रिएटर अपने चैनल पर अपने मुंह से ना बोले, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में जहर उसका फैलाया हुआ साफ नजर आता है। तो आज ऐसी एक जहरीली क्रिएटर की मैं बात करने वाली हूँ। ये टॉक्सिक लेडी है, ये कहती है कि इसका जो चैनल है वो ये न्यूज रिपोर्टिंग करती है एंड ये करती है वो करती है। हम सब कुछ देखेंगे आज लाइन से, सब कुछ देखेंगे। ये एक टीम बनाई है एक ऐसे जोड़े के साथ जो जिसको मैं आज बुलाऊंगी 100 ऐप के साथ। जो आदमी पैदा हुआ था उसके चैनल का नाम है 100 ऐप जानवरिया, उसके साथ मिलकर इसने कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जो ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट केयर कि आप क्या बता रही हैं क्या नहीं बता रही हैं, बट आपने इंडिया के बारे में कुछ गलत बोला है। आपने बोला है कि इंडिया के लोगों को मौका मिला है कि हमारे यहाँ के लोगों की और हमारे यहाँ के रिलीजन और हमारे देश की बुराई करें। तो ये जो है ना, ये आपने उसके बाद जो जहर उगला गया आपके कमेंट सेक्शन में, उससे मुझे बहुत परेशानी है, राइट? तो चलिए गाइज, मैं आज बात करूंगी इनकी, जिनको मैं बुलाऊंगी जूनी पुरानी, मतलब पुराना, पुराने ख्याल, पुराना दिमाग। 21st सेंचुरी में अभी तक इनकी एंट्री नहीं हुई है। तो मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद, मिलती हूँ आपसे मैं कुछ 15 सेकंड के अंदर। तो कल मैंने एक वीडियो देखा जहां पे ये सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपोर्टर, जिनका चैनल है और इनका कहना है कि मेरे पास 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट। आप सोच रहे हो मैं क्या देख रही हूँ, तो मेरे पास फोन है, इसमें मैंने अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं, सो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। हाँ, तो इनका कहना है कि मेरे पास 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इनके पास है कुछ 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर। तो पहली चीज, अगर आप रिपोर्टर हैं, अपने आप को इतना पढ़ा लिखा, इतना खुफिया पंती आप करती हैं, इधर से डेटा निकालना, उधर से किसी का पर्सनल डेटा निकालना, तो आपको 3 लाख और 3 मिलियन के बीच में अंतर नहीं पता है। 3 मिलियन 3 करोड़ को कहते हैं, मतलब 3 करोड़ में 6 जीरो होते हैं और 3 लाख में 5 जीरो होते हैं मैडम। तो आपको तो पहली बात ये नहीं पता, तो हम आपकी दी हुई खबरों के ऊपर कैसे बिलीव करें? उसके बाद कहती है कि मैं एक्टर हूँ, इन्होंने अपना पूरा बायोडाटा छाप रखा है अबाउट में, मैंने आज तक आपको कभी नहीं देखा है। एक बार देखा था जब मीनारे पाकिस्तान का एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पे आप बिल्कुल पुरजोर कोशिश कर रही थी लड़की को गलत साबित करने की, ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एडवर्टाइजमेंट की है, कमर्शियल्स की है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो ब्रांड्स सारे अभी डूब चुके होंगे, क्योंकि आप इतनी कुपोषित लगती हैं कि मैं क्या ही बोलूं। आई एम रियली सॉरी, नॉट बॉडी शेमिंग यू, बट दिस इज हाउ आई फील व्हेन आई सी यू, और आपकी हरकतों को देखते हुए ये बात मैं बोल रही हूँ। तीसरी चीज ये लिखती है कि ये रिपोर्टर हैं, अगर आप एक रिपोर्टर हैं तो आप एक अच्छा बैकग्राउंड भी अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो आप किस तरह की रिपोर्टर हैं? ये किसी टीवी शो, टीवी के चैनल पे शो वगैरह करती थी, ऐसा इन्होंने लिखा है, मैंने कभी नहीं देखा इन्हें। तो चलिए आज मैं इनकी बात करने वाली हूँ। इन जूनी पुरानी सी एक यूट्यूबर हैं जो बेसिकली औरतों की दुश्मन है। ये औरतों की दुश्मन क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये औरतों की दुश्मन इसलिए है कि जैसे ही इन्हें दिखता है कि कोई औरत पॉपुलर हो रही है, उसके लिए लोग खड़े हो रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मीनारे पाकिस्तान की बात अगर मैं करूं, तो एक लड़की थी जो 14 अगस्त को वहां पर गई थी सेलिब्रेट करने, हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, इनके यहाँ 14 अगस्त होता है, जहां पे 300 आदमी थे और उसको वहां पे टिकटॉक के वीडियोस बनाने थे, शायद वो कोई टिकटॉकर थी, लेकिन उसके साथ हुआ ऐसा इंसिडेंट कि आदमियों ने मिलकर उसके कपड़े फाड़ डाले, ठीक है। तो इनका कहना है कि हाँ वो गलत था, वो सब गलत था कि कपड़े नहीं फाड़ने चाहिए, लेकिन वो उसने बनाया था पूरा सीन खुद उस लड़की ने। तो मेरा इनसे एक सवाल ये है उस इंसिडेंट के बारे में कि कल को अगर आपके साथ इसी तरह की वाकया हो जाए, क्योंकि आप भी तो मॉडल एक्टर एंड रिपोर्टर हैं, आप कहीं जाती हैं और लोग आपके कपड़े फाड़ देते हैं, आपका इज्जत का फालूदा बना देते हैं, तो क्या आप एक वीडियो बना के ऐसा बोलेंगे कि नहीं वो सब तो ठीक है, वो उन लोगों ने गलत किया, लेकिन सब मैम मेरी भी गलती थी, मैं गई थी ना वहां पे, मैं तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ,
मैं उठपटांग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं माहिर हूं, आप ये सब बोलेंगी बोलेंगी नहीं ना। तो अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, चलिए बात उस पर करते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले एक बार नजर एक इनके चैनल पर डालते हैं। इनके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और जहां पे इन्होंने प्लेलिस्ट में क्या बता रखा है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग सब चेक कर लीजिएगा इनके चैनल पर जाकर के। इंडिया को बहुत गाली देती हैं, लगातार इंडिया के लिए हेट फैलाना इनका परम कर्म है, ये जो उस चैनल पर बैठ के करती हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आप इनके दो चार वीडियोस देख लीजिए, स्टार्ट के ही जो 10-12 वीडियोस आपको लिस्ट में आएंगे वो उठा के देख लीजिएगा। हाँ, तो आप इनकी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। तो इनकी एक प्लेलिस्ट है जो मैं अभी खोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे इनकी प्लेलिस्ट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि न्यूज एंड पॉलिटिक्स बाय जूना पुराना। तो जूना पुराना की न्यूज एंड पॉलिटिक्स में है करीब 650 वीडियोस। 650 वीडियोस की अगर आप इस लिस्ट को चेक करेंगे तो ये इनका जो बेसिकली चैनल है, इनको बहुत इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, इंडिया के बॉलीवुड में कि इंडिया में क्या हो रहा है। लेकिन अगर इंडिया के लोग कुछ बोल दें वहां के यूट्यूबर्स से तो इनको बहुत हो जाती है प्रॉब्लम। तो वही प्रॉब्लम इनको हो गई और अब मुझे हो गई है इनसे प्रॉब्लम कि आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की न्यूज क्यों कवर करता है इतनी ज्यादा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ये जो न्यूज कवर करती हैं आलिया भट्ट की, प्रियंका चोपड़ा की, आमिर खान की, कैटरीना कैफ की, उसमें कहीं ना कहीं ये किसी एक को विक्टिम बनाती हैं और एक को उसका क्रिमिनल बना देती हैं अपनी न्यूज के थ्रू। इस तरह से इनकी न्यूज होती है और विक्टिम जो हमेशा होता है वो कोई मुस्लिम होता है। तो इस तरह बेसिकली ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज अपने लोगों को पास कर रही है कि इंडिया में मुस्लिम्स की हालत बहुत खराब है। तो ये इस तरह से हेट फैला रही है और ये इनका आज का नहीं, ये बहुत दिल से कर रही है। अदरवाइज 650 वीडियोस, उसमें से मैक्सिमम वीडियोस इंडिया के बॉलीवुड के ऊपर नहीं होते। तो मैडम आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपकी औकात नहीं है जब किसी भी बॉलीवुड के एक्टर से मिलकर उसका इंटरव्यू लेने की, तो आप अपने आप को रिपोर्टर ना कहें। अगर आपको रिपोर्ट करना है तो आपको क्या चीजें रिपोर्ट करनी चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जिसको लगता है कि मेरे 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो कि एक्चुअली 3 मिलियन नहीं है, 3 लाख हैं, 3 लाख एंड मिलियन फर्क होता है दोनों में। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको बेसिकली क्या न्यूज यू नो फॉलो करनी चाहिए। आपके यहां से एक लेडी है जिनको मैं हगुफ्ता बुलाती हूँ, उन्होंने एक इंसिडेंट कवर किया था विराट कोहली वाला कि तुम लोग मैच हार गए, तो विराट कोहली की छोटी सी नन्ही सी बेटी के लिए गंदी गंदी धमकियां आने लगी, तो वो तो आदमी अरेस्ट हो गया। लेकिन आप लोगों के साथ इतने हादसे होते हैं, आप वो क्यों नहीं कवर करती। चलिए मैं यहाँ पर एक हादसा लगा के आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी एंड जो कि वसीम अकरम का एक ट्वीट का है जहां पे वो बोल रहे हैं वेरी डिसहार्टेंड एट मैनचेस्टर एयरपोर्ट टुडे, आई ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विद माई इंसुलिन बट नेवर have I been made to feel embarrassed. I felt very humiliated as I was rudely questioned and ordered publicly to take my insulin out of this travel cold case and dumped it into the plastic bag. तो ये इस टाइप की जो यू नो आपके हीरोज, हमको बोला गया था कि आप लोग अपने हीरो की इज्जत नहीं करते, तो अगर आप इज्जत कर रही होती तो ये न्यूज कवर करनी चाहिए थी। आप इस टाइप की न्यूज कवर करें। दूसरा आप कहती हैं कि हमारा ये हमारा वो, आप इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। आपको इस टाइप की न्यूज़ कॉपी कर कवर करनी चाहिए जो आपकी हगुफ्ता जी ने बोला था ना विराट कोहली के बारे में, उन्होंने ये क्यों नहीं बोला यू मे बी स्ट्रिप सर्च्ड, पाकिस्तानी क्रिकेटर शेयर्स बोर्डिंग पास फॉर USA फ्लाइट विद XXX स्टैम्प्ड ऑन इट, रीड व्हाट इट मींस। इसका मतलब ये है कि आपको 2 घंटे एटलीस्ट देने होंगे आपका सिक्योरिटी चेक के लिए। मतलब चेक किस टाइप का होता है ये आपको भी पता होगा कि आपके यहाँ के नेशनल उसका अच्छे होता है सिक्योरिटी चेक दूसरी कंट्रीज में। तो आप ये सारी चीजों से अपने लोगों को अवेयर कराइए कि पूरी तरह से कपड़े खोल के, चप्पल खोल के, सॉक्स खोल के सारी चीजें चेक होती हैं, बैग पूरा अनपैक करना पड़ता है, एक एक जिप खोल के दिखानी पड़ती है, ताकि आपके नेशनल्स अगर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करें तो उनको ये सारी चीजों के लिए मेंटली आप प्रिपेयर कर सके। किस बात का आप बॉलीवुड की आपकी जो न्यूज है ना उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है आपके लोगों को, ठीक है। और मैं बताती हूँ आपको क्या कवर करना चाहिए मैडम, जो आप इंडिया के पीछे पड़ गई हैं बुरी तरह से कि इंडिया के लोग इंडिया से सपोर्ट, जबकि सपोर्ट तो सब जगह से मिल रहा है। देखिए सिर्फ इंडिया से नहीं मिल रहा है सपोर्ट, आपकी सितारा को सारे दुनिया से मिल रहा है, लेकिन आपको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों से है। तो एक चीज और बताऊंगी
आप अपने क्या सिटीजन्स को ये बताने की जरूरत आपने समझी कि जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि आपकी कंट्री के ऊपर इस वक्त कितना डेट है, तो आपने ये न्यूज कवर की क्या अपने चैनल पर? ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप बॉलीवुड छोड़िए, आप कैटरीना कैफ को छोड़िए, ऐश्वर्या राय क्या करी छोड़िए, उनसे आप कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएंगी, ना ही उनका कभी इंटरव्यू ले पाएंगी, वो लोग आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। तो आप इस टाइप की न्यूज शेयर करें, अपने लोगों को अवेयर कराएं कि क्या हाल चल रहे हैं वहां पे। आप अपनी कंट्री के लिए आपके पास कोई न्यूज नहीं है शेयर करने की, आपको एक और न्यूज शेयर करनी चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान हैज नाउ टर्न्ड टू डोंकीज टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद चाइना। आप ये क्या आपने अपने लोगों को आपने बताया कि इमरान खान जी ने चाइना को हेल्प करने के लिए गधे एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं, और सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स अगर दुनिया में कोई गधों के हैं तो वो हैं आप लोग। वैसे हमारे यहाँ एक यूट्यूबर है जिसको सब लोग गधी कहते हैं, आप उसे भी ले जा सकती हैं इफ एट ऑल यू वॉन्ट, बट वी वुड नॉट लाइक टू डू इट बिकॉज वी लव आर डोंकी, सो इट्स ओके, बट इनकेस इफ यू वॉन्ट देन यू कैन। इसके अलावा आपको क्या ट्रैवल आपको और क्या कवर करना चाहिए? देखिए, आपकी एक जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने बोला था कि विराट कोहली वाली बात, तो उस पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब आप लोग वर्ल्ड कप हारे थे ना इंडिया से, और तब आपके वहां पे टीम गई थी आपकी पाकिस्तान में, तो लोगों ने शेम 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 करके उनका स्वागत किया था। हम लोग ये सब नहीं करते हैं मैडम, हम लोगों के जो रियल हीरोज है ना, हमारी आर्मी वाले लोग हैं। आप लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा आपने, है तो कहां तक और कब तक मैं चुप रहूंगी? इसके अलावा इनको और क्या शेयर करना चाहिए, चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इनको शेयर ये करना चाहिए अपने चैनल पर जो एक लेटेस्ट न्यूज है कि इनकी जो गवर्नमेंट है उसके पास इस वक्त पैसा नहीं है अपना काम करने के लिए, तो लेकिन क्योंकि इनकी गवर्नमेंट की रेपुटेशन इतनी बढ़िया है कि इनके सेंट्रल बैंक को जो है बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसको बोला गया है कि आप बिल्कुल भी किसी तरह का लोन अपनी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। इससे गर्व की बात और क्या होगी कि एक कंट्री है जिसकी गवर्नमेंट अपने ही बैंक से लोन नहीं ले सकती। ये सब न्यूज आप कवर क्यों नहीं करती हैं? इस तरह से आप अवेयर क्यों नहीं करती हैं? आप अपने लोगों को कैटरीना कैफ क्या कर रही है, ये क्या कर रही है बता के क्या करें कर लेंगी, और आपका सारा फोकस सिर्फ इंडिया के ऊपर क्यों होता है? ठीक है, आपने तो अपने यहां की जो सितारा है, सितारा यासीन, वो उनको क्योंकि इंडिया से प्यार मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन्हें इंडिया से प्यार क्यों मिल रहा है, वो पॉपुलर इंडिया में क्यों हो रही है, राइट? तो आपने क्या किया, 3 वकील बुला लिए और उनसे कुछ आपने बता दिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ऐसा लॉ है कि पहली वाइफ को डिवोर्स किए बिना वो दूसरी शादी नहीं कर सकते वहां के आदमी। दूसरा एक ये है, इसका एक्सेप्शन ये है कि इनकेस इफ दे वॉन्ट टू गेट मैरिड अगेन, इफ दे वॉन्ट टू डू सेकेंड मैरिज, तो उनको वाइफ की रिटर्न वो लेनी चाहिए, राइट? रिटर्न क्या कहते हैं, परमिशन लेनी चाहिए, फिर काउंसिल ऑफ समथिंग सम काउंसिल में जाके उधर पे भी परमिशन लेके वो अटैच करके फिर निकाह पढ़ना चाहिए। तो ये दो लॉ इन्होंने बताए, एंड लास्ट में इन्होंने बोला किसी भी सूरत हाल में ये पॉसिबल नहीं है कि बिना डिवोर्स दिए आदमी दूसरी शादी कर ले। तो जूना पुराना इंफॉर्मेशन कहां से लाती हो? इंटरनेट चेक नहीं करती? आपके लॉयर्स की बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहां पे चेक करिए लॉयर्स ने क्या क्या जवाब दिए हैं। सिर्फ एक मंजूरीनामा काफी होता है। तो आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, और ये कहती हैं कि भाई निकाह नामा नकली है, हम बिलीव नहीं करते। तो हम कैसे बिलीव कर ले कि आप वो जो 3 लोगों को लेकर आई थी वो सच में लॉयर्स हैं? एक चीज बड़ी कॉमन मैं देख रही हूं, इंडिया से हर दूसरा आदमी आर्मी की फैमिली से निकल रहा है, और पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी एक लॉयर की फैमिली से निकल रहा है। इनके जो दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, सोएब, हाँ, तो सोएब जी हैं जो वो कहते हैं कि ये इसकी शादी नकली है और हम इसको ये करेंगे वो करेंगे, बट आदमी बड़ा ही वाहियात किस्म का है, बैठ के औरतों से बड़े ही गंदे लहजे में बात करता है, और वो कहता है कि वो केस करेगा सितारा के ऊपर। क्यों भाई, क्यों करोगे तुम केस? तुमने भी तो 2 शादी की है, तुम्हारे वीडियोस कहते हैं कि तुमने भी अपनी बीवी को 6 महीने तक नहीं बताया था शायद, तो तुम कहां से दूध के धुले हो गए? तो सोएब जी सुनिए, जिनके घर शीशों के हो ना, वो जब कपड़ा बदलते हैं तो पर्दे तान लेते हैं, वरना दुनिया उनको शेम शेम कहती, और आप इस वक्त उसी पोजीशन पे हैं जहां पे आपको सब शेम शेम करें।
और रही बात, आपको हर औरत आप अपनी जूती के नीचे रखते हैं, मैं आपको आज एक रियलिटी चेक देती हूँ, जूती के नीचे आपकी बीवी है जो आपके बाजू में बैठ के हाँ हाँ हर चीज में हामी भरती है, जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, जिसकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं है, वो आपके बगल में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने बैठती है, और आपकी पहली बीवी कहाँ है? क्या आप उसको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा लिखा हुआ है? बताइए जरा। मेरे ख्याल से आपका ये जो डेडिकेशन है एक ऐसी औरत के पीछे आप लगे हुए हैं जो ऑलरेडी जिंदगी में परेशान है, मेरे ख्याल से आप उसको छोड़ें और आप कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें जिससे आपके देश का भला हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरकार आपसे परेशान हो के आपको भी गधों के साथ ना चाइना एक्सपोर्ट कर दे। समझ में आया? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में गधे जाते हैं वहां पे, दवा बनाई जाती है गधों से और खाए जाते हैं गधे, ठीक है। तो जो आप अपनी बेवकूफी का परिचय लगातार दे रहे हैं और हर औरत को अपने पैरों के नीचे मेरी जुत्ती थल्ले बकवास कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अब इस बात के लिए जागरूक हो जाना चाहिए कि जूती थल्ले आपकी बीवी है जो बकरी जैसी आपके बगल में बैठी रहती है, हम्म करती रहती है, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, बस बैठ के हाँ में हाँ मिलाना उसका परम धर्म है, और ये उसका पति उसका शौहर औरतों की तरह उछल उछल के सोशल मीडिया पर बैठ के औरतों से लड़ाई कर रहा है। और जो आपकी टीम है, ये जो सोएब है, हगुफ्ता है, जूना पुराना है, और वो एक SJS वाला जिसने सबसे पहले निकाह नामा दिखाया था और बड़े ही धड़ल्ले से कहा था कि ये लो इस पे गवर्नमेंट का स्टैंप है, अब आप इसको झुटला नहीं सकते, अब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आज उन्हीं की टीम की एक बंदी बैठ के उसको चैलेंज कर दिया, उसको झूठा प्रूफ कर दिया। तो पहले आप लोग ये बैठ के डिसाइड कर लें, एक राउंड टेबल मीटिंग कर लें कि किसको क्या बोलना है। समझ में आया? और दोबारा इंडिया के लिए बोलना बंद कर दो। इंडिया क्या है क्या नहीं है ये हम भी जानते हैं, हमको नहीं बताने की जरूरत है आप लोगों को कि इंडिया में मुस्लिम्स कैसे रहते हैं या इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या नहीं होता है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर इंडियन से प्रॉब्लम है, जैसे दो चार हैं यहाँ पे बहुत डेडिकेटेड हैं जो लगातार लॉयर बने हुए हैं, और मैं एक और चीज बता दूं, वो कोई भी रिएक्शन चैनल्स में आप लोग काउंट ना करिए, क्योंकि रिएक्शन चैनल का काम रिएक्शन देना है, सेंसिबल रिएक्शन देना, ठीक है। किसी की चाटुकारी करना इज नॉट रिएक्शन, किसी का लॉयर बन के बैठना इज नॉट रिएक्शन, सो प्लीज डोंट कंसिडर देम एज रिएक्शन चैनल्स। अगर आपको उन पर्टिकुलर चैनल से प्रॉब्लम है तो आप अपनी जो दुश्मनी है ना उनसे निकालिए अलग से, या फिर डेडिकेटेडली उनके लिए वीडियो बनाइए। आप सारे इंडिया को एक उसमें रख के टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे चैनल पर कभी भी हमने आपके मुल्क की बेइज्जती नहीं की है, लेकिन हम ऐसे इतने भी सीधे नहीं है कि आप लोग करते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे ना, नॉट पॉसिबल। अभी तो ये मैंने बहुत छोटे छोटे रेफरेंस दिए हैं, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे रेफरेंस हैं। इनफैक्ट एक वीडियो है आपके यहाँ के हीरो का, यूट्यूब पे खोजिएगा मिलेगा, जहां पे उसने बोला है शर्म आती है मुझे कि मैं इस जगह से हूं, जब हम किसी दूसरी कंट्री में क्रिकेट खेलने जाते हैं तो एयरपोर्ट पे हमें नंगा किया जाता है सिक्योरिटी चेक के लिए, वहीं इंडिया के प्लेयर सीधे निकल जाते हैं। इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा और हमको ज्ञान मत दीजिएगा कि हम लोग अपने हीरोज की कदर नहीं करते। और ये जूना पुराना जी, आपका जो पूरा चैनल है ना बॉलीवुड के नाम से चल रहा है, बॉलीवुड के नाम से आप अपनी रोटियां सेक रही हैं यूट्यूब पर बैठ के। आपके देश की कुछ न्यूज मैंने आपको आज दे दी है, आगे से आप उन अपने अपने कंट्री के ही न्यूज पे वीडियो बनाइएगा, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का मीडिया क्या कर रहा है, इंडिया के फिल्म स्टार क्या कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जब इंडिया के लोगों ने आपकी एक यूट्यूबर के ऊपर रिएक्शन दिया तो आप तिल मिला गई, लेकिन आप रोज आए दिन बैठ करके हमारे बॉलीवुड के स्टार्स के ऊपर वीडियो बनाती हैं, जहां पे एक विक्टिम होता है और एक उसको परेशान करने वाला होता है, जहां पे आप बेसिकली एक मैसेज दे रही होती हैं कि देखो क्या हाल कर रखा है, देखो क्या हाल कर रखा है, राइट? गलत न्यूज दिखाना बंद कर दो और इंडिया को टारगेट करना बंद कर दो। यहाँ पे सिर्फ मैं एक तुम्हारे वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ जहां पे तुमने इंडिया को टारगेट किया है, 650 वीडियो
उसमें से अगर मान लो मैं कहती हूँ 50% तुम्हारे वीडियोस बॉलीवुड के ऊपर हैं, तो तुम क्या कर रही हो? इसका वीडियो आप लोग खुद चेक करिएगा। अगर आपको ना लगे कि ये इंडिया के लिए हेट फैलाने के लिए सिर्फ आई है यूट्यूब पर, तो आप मेरा नाम बदल देना। दिस लेडी इज अ हेट मॉन्गर। और ये इतने ज्यादा नफरत से भरे हुए ये तीन चार लोग जिनका मैंने नाम लिया, एक तो जूना पुराना, एक सौ एब SJS और हगुफ्ता जी, इन लोग इतनी नफरत फैला के रख दिए हैं, इतनी नफरत फैला के रख दिए हैं दो लोगों के बीच में कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। इन लोगों ने सबके दिमाग में डाल दिया है कि इंडिया वाले बेकार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। भाई आप लोग अपने देश का न्यूज चैनल नहीं देखते क्या? कि देखते हैं कि नहीं देखते? आपके एक न्यूज रिपोर्टर ने बड़े खुले आम बोला था कि आजादी के बाद इंडिया देखो कहां से कहां पहुंच गया और हम पीछे ही जा रहे हैं लगातार। आप लोग के लिए अच्छा होगा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं या ये यूट्यूबर आगे बढ़ गया, उसका निकाह नकली है, इसके बजाय आप जो अपने देश के बड़े बड़े जो परेशानियां है ना उसके ऊपर फोकस करिए, ना कि ये देखिए कि इंडिया से कितना प्यार एक यूट्यूबर को मिल रहा है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, तब आप लोग एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे पाकिस्तानी बन पाएंगे। और बाकी रही बात, अगर आप मेरे वतन को सुनाएंगे तो मेरे से सुन के लीजिएगा, मैं ऐसी हजार न्यूज आपको निकाल के दिखा दूंगी जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ना कि सितारा यासीन के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक औरत अपना कामा खा रही है तो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, और इस न्यूज रिपोर्टर को, ये तो वहां की औरतों की दुश्मन है। तुम वहां की लेडीज की दुश्मन हो, तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई औरत के पास थोड़ा भी पावर आए, तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम्हारे पास एक सेटअप तक नहीं है, तुम अपने आप को न्यूज रिपोर्टर कहती हो, गरीब हो तुम, गरीब, तुम्हारे पास कंटेंट की गरीबी है, तुम्हें कंटेंट इंडिया से ही खोजना पड़ता है। और इस बार तो तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल गया था ना इंडिया के लोगों को टारगेट करने का, तो सुनो, अभी तो मैंने टारगेट किया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ आपको और सिर्फ आपको और आपके गैंग को टारगेट किया है। और जो सौ ऐप वाला आदमी है ना, इसका चैनल अभी तक मैंने देखा नहीं है, इसका चैनल मैं देखूंगी। इसकी खुद की दो बीवी हैं और ये किसी और की शादी में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो पहले भाई साहब आप अपना निकाहनामा, मंजूरी नामा सब दिखाइए, उसके बाद बकवास करिए, समझ में आया? क्योंकि आप खुद भी वहीं खड़े हैं जहां पे कोई दूसरा खड़ा है, तो आपको परेशानी हो रही है, आपकी जलन साफ नजर आती है और आप बड़े जनाना हरकतें करते अपने वीडियो में, तो थोड़ा संभल के, और दोबारा ना इंडिया को टारगेट मत करना, इंडिया को दोबारा टारगेट मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद मैं और न्यूज लेकर आऊंगी जिसके ऊपर आप लोगों को एक्चुअली फोकस करना चाहिए, ना कि सितारा यासीन के ऊपर, ठीक है? तो गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो इस सौ ऐप वाले आदमी के ऊपर होगा मेरा, क्योंकि मैंने इसका चैनल आज ठीक से नहीं देखा है, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी उसके ऊपर। एक बार मुझे इसका चैनल देख लेने दीजिए, फिर इसकी क्लास लगाती हूँ बहुत अच्छे से। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।